नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने आपके आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे। आज हम कम्युनिकेशन सिस्टम का कुछ पार्ट लेते हैं। कम्युनिकेशन उधर मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो नहीं देखे हैं वो देख लें कृपया जाके। तो चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक क्या होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइंड कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ deliver the message from one point to another पॉइंट। ठीक है, कम्युनिकेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के काम में आता है। कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ कुछ एलिमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे अगर कम्युनिकेशन का एग्जांपल समझें, अगर आप अपने दोस्त के सामने बात कर रहे हैं तो आप जो बोलते हैं वो हम आपका मैसेज रहता है। ठीक है, और जो आप जहाँ तक पहुँचा रहे हैं आप अपने दोस्त तक, वो यूजर होता है। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे लाइफ में बहुत सारी घटनाओं से जुड़ा हुआ है, तो इससे भी हम रिलेट करके सीख सकते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। मतलब डाटा का ट्रांसफ़र एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट सिस्टम ए है। ठीक है, हमको बी को मैसेज भेजना है, सिस्टम में से बी को मैसेज भेजना है, तो ये क्या करेगा, रेडिएट करेगा ये चारों दिशा में। इसी तरह अगर इसके पास रिसीविंग एंटीना होगा तो ये भी रिसीव करेगा एंटीना। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम करने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, चलिए उसके बारे में आप बता देते हैं आपको। जनरली कम्युनिकेशन सिस्टम हैज थ्री मेन एलिमेंट्स। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम के पास जो होता है तीन मेन एलिमेंट्स होता है, इसको कहते हैं
से नाम दे। ये नंबर हो गया हमारा सोर्स, या ट्रांसमीटर, दूसरा हो गया चैनल, और तीसरा जो होता है वो हमारा रिसीवर। हम तीनों के बारे में एक एक करके बताएंगे, क्या सोर्स ट्रांसमीटर होता है, क्या रिसीवर होता है, क्या या इसको डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए हम एक एक करके सबके बारे में बताते हैं, क्या होता है सोर्स ट्रांसमीटर, क्या होता है चैनल। अगर लिख लिए होंगे तो हम मिटा सकते हैं, नहीं लिखे होंगे तो पीछे करके लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। देखिए, फर्स्ट जो हमारा है वो है सोर्स या ट्रांसमीटर। इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज रेडिएट और ट्रांसमिट डी सिग्नल या मैसेज कह सकते हैं। ठीक है, एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज रेडिएट और ट्रांसमिट द सिग्नल एंड मैसेज इज कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। ठीक है, जैसे अब ये भी कह सकते हैं, जैसे किसी जगह से जो ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो अपने जगह से एनर्जी को रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, तो सारे दिशा में रेडिएट होते हैं, जिससे रेडिएट करते हैं उसे कहते हैं ट्रांसमीटर। क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर। जैसे एग्जांपल बता देते हैं आपको, पहले डिफिनेशन देख लीजिए उसके बाद हम एग्जांपल बता देते हैं, अच्छा से समझ जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा चैनल। चैनल को ऐसे हम डिफाइंड कर सकते हैं कि एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर
कैरिंग, सिग्नल और मैसेज बिटवीन ट्रांसमीटर टू डेस्टिनेशन। ठीक है, कहने का मतलब है वो एक तो हम ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट तो कर दिए, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन और मैसेज जाएगा किसके थ्रू, किसी और के पास, तो जिसके थ्रू जाएगा वो हमारा कहलाता है चैनल। ठीक है, चैनल कुछ भी हो सकता है, वायर भी हो सकता है, अनगाइडेड मीडिया भी हो सकता है, कोएक्सियल केबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट एक और पॉइंट बच गया हमारा, ये है रिसीवर। रिसीवर या डेस्टिनेशन। ठीक है, इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं कि रिसीवर एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर रिसीविंग एनर्जी, रिसीविंग सिग्नल और मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर या डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये एन एलिमेंट ऑफ, अब हम ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर दिए, ले जाने के लिए चैनल का यूज कर लिए, रिसीव करने के लिए हमने रिसीवर का यूज कर लिया, तो अब हम देखते हैं होता क्या है ये तीनों, सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। हम इस सब के बारे में अभी बताते हैं प्रैक्टिकली कैसे होता है। आप अगर लिख लिए होंगे तो हम मिटा रहे हैं, नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए। यहाँ थोड़ा अच्छा से समझिएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा मान लीजिए कोई ट्रांसमीटर एंटीना है। ठीक है, हम तो उतना कलाकार हैं नहीं, जैसे हो बन रहा है। ठीक है, अगर ये एंटीना है, ये रेडिएट कर रहा है एनर्जी चारों दिशा में, मीडियम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये अगर रिसीवर है, लगा हुआ एंटीना, ट्रांसमीटर रिसीवर। ठीक है, ये जब रेडिएट करेगा, जब इसका फैलेगा वेवलेंथ, ऑल डायरेक्शन में फैलेगा। अभी हम वायर का यूज नहीं किए हैं, लेकिन ये जो यहाँ से जा रहा है वायर एयर के थ्रू अनगाइडेड मीडिया, इसको कहते हैं चैनल।
ये हमारा जो एयर के थ्रू जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में बोल सकते हैं, ये हमारा यहाँ से जो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो जा रहा है ये हमारा कहलाता है चैनल। ये ट्रांसमीटर जिसको एंटीना भी कहा जाता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, एंटीना ये हमारा रिसीविंग एंटीना। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक एलिमेंट जिसके बारे में पढ़ना था और मैंने पढ़ा दिया। तो अच्छा से समझ गए होंगे आप लोग, एंटीना मेटलिक प्लेट का बना रहता है, बहुत सारे टाइप का एंटीना होता है, वो हम बाद में बताएंगे। ट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट करेगा, जब इसको सोर्स से एनर्जी मिलेगा वायर के थ्रू एंटीना को दिया जाएगा और एंटीना रेडिएट करेगा, उसको बोलते हैं चैनल। एक तरह से ये भी चैनल का काम कर रहा है, ये वायर कहाँ से सोर्स लेके एंटीना तक, इसको भी कह सकते हैं। और यहाँ एंटीना से जब रिसीव होगा तो रिसीवर एंट्री करेगा, ठीक है, ये भी एक तरह से एंटीना की तरह काम कर रहा है, ये चैनल की तरह। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक पार्ट। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा इसका लंबा नहीं खींचना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा बता देंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम का सीरीज और उधर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सीरीज, दो सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया और कुछ जनरल पेपर भी जा रहे हैं साथ में, तो वो भी अगर देखिएगा तो अच्छा रहेगा आगे के लिए। थैंक यू।